हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मानसा। आप सभी का मेरे चैनल में हृदयपूर्वक स्वागत है। तो ये सुबह सुबह का व्लॉग मैंने शुरू किया है और यहाँ पे ना उठते ही मैं बालों में तेल लगा रही हूँ क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश करना था। तो इसीलिए तो ज़्यादातर मैं रात को तेल लगा लेती हूँ, लेकिन रात को ना थोड़े काम ज़्यादा हो गए थे और मैं भूल भी गई थी, तो इसीलिए अभी सुबह उठने के बाद बालों में तेल लगा लेती हूँ, फिर हेयर वॉश कर लेती हूँ। तो जब भी मुझे हेयर वॉश करना होता है तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। एक या दो घंटे तक बालों में तेल लगाने के बाद अगर हेयर वॉश करते हैं तो बाल जो है वो सिल्की होते हैं और बाल झड़ने का जो प्रॉब्लम होता है वो भी कम होता है। और यहाँ पर देखो, मेरा किचन जो है साफ़ सुथरा है क्योंकि मैंने रात को ही अच्छे से साफ़ करके रखा है और जो भी बर्तन थे वो भी मैंने धो के रखा है। तो सुबह उठने के बाद ना किचन में कुछ भी काम नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने से ना हमें जो बाकी के काम होते हैं ना वो करने में आसानी होती है और थोड़ा समय भी बच जाता है। तो ज़्यादातर मैं रात को ही किचन के सारे काम करके ही मैं सो जाती हूँ। और यहाँ पे ना रात को बच्चे पढ़ाई करके यहाँ पे बैग और कुछ बुक्स ऐसे ही रखे थे, तो बाकी के कमरों में ना जो चीज़ें पड़े हुए होते हैं ना उन्हें मैं रात को ही निकाल के उनके जगह पर रख देती हूँ। लेकिन बच्चे हैं ना थोड़े रात तक पढ़ाई करते हैं तो इसीलिए फिर ये लोग ऐसे ही रख के फिर सोने के लिए आ जाते हैं। तो अभी इनको मैं निकाल देती हूँ और यहाँ पे आ गई हूँ बाहर झाड़ू लगाने के लिए। तो अभी ना बहुत ज़्यादा अंधेरा ही है, तो आज ना थोड़ा मुझे और भी जल्दी उठना पड़ा क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है। तो इसीलिए रोज़ जो टाइम पे उठती हूँ ना उससे थोड़ा आज मुझे जल्दी उठना पड़ा। और अभी ना बाहर के आंगन में भी झाड़ू लगा देती हूँ। और यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा अंधेरा है ना, तो झाड़ू लगाने के बाद मैं थोड़ा क्या बोलते हैं सुबह जब होने लगता है ना तब आके पानी डाल देती हूँ। उससे पहले मैंने कपड़े डाले थे वॉशिंग मशीन में। और तो बाहर के आंगन में ना पानी डालने के बाद रंगोली भी डाल देती हूँ, फिर बाद में यहाँ पे मतलब अंदर के कमरों में भी झाड़ू लगा देती हूँ। पोछा वगैरह वो सब होने के बाद मैं नहा के आ जाती हूँ और फटाफट खाना बनाने में लग जाती हूँ। तो आज ना बच्चों के लिए उनके मनपसंद का सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो मटर की सब्ज़ी आज बना रही हूँ। तो ये सब्ज़ी ना हमारे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसके साथ दो आलू थे तो आलू भी सब्ज़ी में मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे पहले हरी मिर्च डाला है और एक बड़ा प्याज डाला है, फिर बाद में आलू को भी छिलकर निकाल के रख दिया है तो उसे मैं कट करके फिर डाल देती हूँ। तो यहाँ पे आलू को मैंने बॉईल नहीं किया है, तो मैं भूल गई थी, अगर बॉईल करके डालती तो और जल्दी पक जाता, लेकिन यहाँ पे कच्चे आलू को ही मैं डाल देती हूँ। तो जब तक आलू अच्छे से फ्राई हो जाता तब तक यहाँ पे मैं आटे को गूँध लेती हूँ। तो थोड़ा नमक भी डाल के फिर आटे को गूँध के रख देती हूँ। तो जब भी ये सब्ज़ी बनता है ना तो चावल से ज़्यादा बच्चों को पूरी के साथ खाना अच्छा लगता है, तो इसीलिए आज मैं पूरी बना देती हूँ। तो सुबह का जो नाश्ता होता है ये सब्ज़ी के साथ पूरी हो जाएगा। फिर लंच में तो चावल मैंने चढ़ा दिया था, तो बस चावल भी बन चुका था। तो बच्चों को ना रोटी के साथ भी खाना अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादातर उनको पूरी के साथ खाना ही और भी अच्छा लगता है, तो इसीलिए फिर सब बना देती हूँ। तो आलू अच्छे से फ्राई होने के बाद ना इसमें हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देती हूँ और इसे एक बार अच्छे से चलाने के बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल देती हूँ। तो लाल मिर्च डालने के बाद इसमें ना मटर डाल देती हूँ। तो ये मटर ना मैंने आधा किलो लाई थी, लेकिन देखो कितने कम मटर निकले हैं, तो इससे ना सब्ज़ी जो है वो बहुत कम बनती है, तो इसीलिए मैंने फिर आलू भी डाली हूँ। अभी तो इतना सब्जी काफ़ी है क्योंकि अभी हम चारों के लिए नाश्ते में हो जाएगा, फिर बच्चों को ना बॉक्स में भी मैं ये सब्ज़ी ही भेजने वाली हूँ, तो बस ये काफ़ी है। तो अभी बेटी ना टमाटर काट के देती है, तो टमाटर डाल के फिर स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देती हूँ। तो ये सब्ज़ी बनता रहेगा, तब तक यहाँ पर मैं पूरी बेल लेती हूँ। तो
आज ना मुझे और भी जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे सब्ज़ी में मैंने थोड़ा पानी डाल के रखा है, तो वो कुक होता रहेगा तब तक आटे के छोटे छोटे गोल बना के रख देती हूँ पूरी बनाने के लिए। तो आज और भी मुझे काम है, तो इसीलिए ये सभी पहले मैं निपटा लेती हूँ, फिर बाद में दूसरे काम भी। और यहाँ पे सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन चुका है, तो इसमें मैं धनिया पाउडर और गरम मसाला डाल देती हूँ, और इसी के साथ हरी धनिया भी डाला है। अभी गैस को ऑफ कर देती हूँ, फिर बच्चों को बुलाती हूँ खाने के लिए। तो जैसे जैसे मैं बनाती जाऊँगी पूरी, वैसे ही बच्चे खाएंगे, मतलब गरम गरम खाने से ना और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तब तक देखो ऑटो भी आ चुका है। और आप ना बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में पूछ रहे थे ना, तो इनका स्कूल यूनिफॉर्म है, लेकिन कोरोना के बाद जब स्कूल स्टार्ट हुए हैं ना, तो इनका एक नया यूनिफॉर्म जो है वो अभी तक सेट नहीं हुआ है, तो इसीलिए अभी बच्चे ऐसे ही जा रहे हैं। तो बच्चे जाने के बाद मेरे लिए भी मैं नाश्ता लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे ना नाश्ता करते करते मैं टाइम देख रही हूँ, क्योंकि अभी आधा घंटे में मुझे तैयार होना है, तो इसीलिए। तो नाश्ता करने के बाद मैं ये साड़ी पहन लेती हूँ। तो ये साड़ी तो आपको पता है, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, तो मैंने बताया नहीं है ना कि आज मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो अभी हम शादी में जाने वाले हैं, तो आज मेरे साथ ना हस्बैंड भी आने वाले हैं और कुछ रिलेटिव्स, हम सभी मिलके जाने वाले हैं। तो इसीलिए आज सुबह सुबह उठ के पहले तो बच्चों को स्कूल भेजना पड़ा, फिर बाद में मैं तैयार हो जाती हूँ। तो यहाँ पे छोटी मैंने बना ली, फिर बाद में काजल लगा ले रही हूँ। तो आपने ना पिछले व्लॉग में कमेंट किया था कि दीदी आप काजल लगाओ करके, तो ऐसी बात नहीं है कि मैं बिल्कुल भी काजल नहीं लगाती हूँ, कभी कभार काजल लगा लेती हूँ। तो चलो फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ, और अभी ना इनके लिए वेट कर रही हूँ, और ये आने के बाद जल्दी से हम चले जाएंगे। अगर इनको लेट हो जाता फिर मैं अकेली चली जाऊंगी, मतलब बहन भी है, फिर हम सभी लोग मिलके जाने वाले हैं। और पता है आज ना मुझे इतना जल्दी जल्दी काम करना पड़ा, सुबह उठते ही फटाफट सभी काम करके फिर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं तैयार हो गई हूँ। मतलब होता है ना कि मुझे अक्सर लेट हो जाता है, लेकिन आज ना मुझे जल्दी रेडी होके रहना था, और मतलब लेट नहीं होना था। हमारे साथ और भी हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, तो उनको मेरे लिए मतलब मेरे वजह से उनको लेट ना हो जाए, इसीलिए मैं जल्दी तैयार होके हूँ, और बस अभी इनका ही वेट कर रहे हैं। अगर इनको लेट हो जाता फिर मैं उनसे मतलब सभी लोग मिलके चले जाते हैं। तो आज मैं कैसे दिख रही हूँ, आप कहते हो ना कि दीदी काजल लगाओ लिपस्टिक लगाओ करके, तो आज मैंने काजल भी लगाया है और थोड़ा सा लिपस्टिक भी लगाया है। मतलब कहीं बाहर जाना होता है, ऐसे शादियों में या फंक्शंस में जाना होता है, तो मैं मतलब ऐसे तैयार हो ही जाती हूँ, लेकिन अक्सर घर में रहते हो ना तो उतना ज़्यादा तैयार होने में मन नहीं लगता है, घर के काम करते रहते हो ना, तो बस ऐसे ही मैं मतलब वीडियो के सामने भी वैसे ही आ जाती हूँ। तो आज जो साड़ी पहनी है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और एक बार आपके साथ मैंने शेयर भी किया था, तो आपने भी बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि ये साड़ी अच्छी है करके, तो फिर आज मैं ये साड़ी भी पहन ली। और वहाँ जाने के बाद ना पता नहीं मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, हो सके तो मैं बनाऊँगी, नहीं तो नहीं, क्योंकि सारे लोग होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। मैं कोशिश करूँगी बनाने की, लेकिन देखते हैं। तो चलो अभी तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे देखो कौन आए हैं। तो माँ भी ना शादी में आई थी, फिर आते टाइम पे माँ को लेके हम हमारे घर आ गए हैं, फिर माँ के साथ कैशोरी भी आ गई है। तो हम पहले वाले व्हीकल में आ गए, कैशोरी की माँ वगैरह दूसरे व्हीकल में आ रहे हैं। तो जहाँ शादी हुआ ना वो इतना दूर था कि मैं क्या बताऊँ, मतलब हमारा हाल तो बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है। जाते टाइम पे तो मतलब ऐसे तैसे हम गए थे, लेकिन आते टाइम पे ना हमसे बिल्कुल भी हो नहीं पाया, मुझसे तो उल्टी भी हुआ है, क्योंकि ना मुझसे इतना दूर आना जाना बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर हम जाने के बाद वहाँ एक दिन रह के फिर दूसरे दिन चले आते तो ठीक है, लेकिन एक ही दिन में आना फिर जाना ये सब मुझसे नहीं हो पाता है। तो हस्बैंड नहीं आए थे, उनको देर हुआ था, तो इसीलिए हस्बैंड यहाँ पे ही रुक गए।
फिर मैं अकेली ही चली गई। और यहाँ पे ना मैं रात के खाने में रसम बना रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा हेवी नहीं चाहिए था, तो इसीलिए सिंपल सा मैं रसम बना रही हूँ। बच्चों के लिए तो सुबह में जो बनाया था ना मटर और आलू की सब्ज़ी, वो बच्चों के लिए हो जाएगा, और हमारे लिए ये रसम भी खाने का भी मन नहीं कर रहा था, तो इसीलिए ना ये रसम बना के रख देती हूँ। और बीच में ना कैशोरी देखो कैसे खेल रही थी, तो देखो रसम बन चुका है। अभी ना बहुत ज़्यादा सिर दर्द होने लगा था, तो इसीलिए मैंने माँ से क्या बोलते तेल लगाने के लिए बोला है। तो जब भी मुझे सिर दर्द होता है ना, तो ऐसे ही मैं तेल लगाती हूँ, तो मुझे सिर दर्द कम होता है। और अभी तो माँ है ना, तो इसीलिए माँ से मैंने तेल लगवा दिया है, और माँ भी ना बहुत ही अच्छे से चिमपी कर देती है, तो सिर दर्द गायब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग कैसा लगा? तो इस व्लॉग को यही पे एंड करती हूँ। तो अभी हम నిన్న చేయాలా అద్దా చేయాలా మన్ను చెప్పు బాయ్ అని చెప్పు గుడ్ నైట్ మంచి చెప్పు గుడ్ నైట్ చెప్పు तो चलो दोस्तों, अभी कैशोरी को नींद आ रहा है, और इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल में कोई नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलो मिलते हैं और एक अच्छे से व्लॉग के साथ।